भाइयों और बहनों, ये जनसंघ ही था, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे हमारे तमाम बड़े नेता ही थे जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी के समय हर मुद्दे हर समस्या का समाधान करने के लिए आवाज उठाई थी। हमने राष्ट्रहित में बांग्लादेश की आजादी के लिए तब की सरकार के उठाए कदमों का खुलेआम समर्थन किया था। उस समय हमारे सैनिकों ने जो पराक्रम दिखाया था उसके बाद भारत कोई भी फैसला करा सकता था, लेकिन तब की कांग्रेस सरकार वो भी नहीं कर पाई। साथियों, आज की स्थिति देखिए, आज भारत अपना दम दिखा रहा है, हमारे वीर जवान अपना दम दिखा रहे हैं, पुरानी नीति और रीति को भारत अब बदल चुका है, पूरी दुनिया भारत के साथ है कि नहीं है? आज पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी है? हमें पूरा समर्थन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पूरी दुनिया से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हमारे हर कदम की सराहना हो रही है कि नहीं हो रही है? लेकिन हमारे घर में ही ये महामिलावटी की जमात इस गौरव के अंदर, इस गौरवपूर्ण बातों में अपना सूर मिलाने के लिए तैयार नहीं है, वो कोई दूसरे ही बाजे बजा रहे हैं। और हालत तो इतनी खराब हो चुकी है मेरे भाइयों बहनों, इस चौकीदार का विरोध करते करते वे अब भारत का भी विरोध करने लगे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जवाब देंगे? जवाब देंगे? ऐसे गिल्ले डाले आसाम के लोग नहीं देंगे। जवाब देंगे? शाबाश। भारत का विरोध करने वालों का साथ असम से ले गया? भारत का विरोध करने वाले उनका हित कर सकते हैं क्या? ऐसे लोग घुसपैठी से बचा हम कर सकते हैं क्या? लड़ाई चाहे घुसपैठ और आतंकवाद से हो या भ्रष्टाचारियों और दलालों के खिलाफ, आपका एक चौकीदार पूरी ताकत से डटा हुआ है।